वेलकम टू माय चैनल असंग कार्ड। तो आज मैं आपको कलर्स की कंसिस्टेंसी को थिन कर वाटर कलर की तरह फैब्रिक के ऊपर पेंटिंग कर दिखाऊंगी। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने फ्लावर की डिज़ाइन को कपड़े के ऊपर उतार लिया है। और सबसे पहले यहाँ पर हम फ्लावर के अराउंड बैकग्राउंड को क्रिएट करेंगे। फ्लावर के अराउंड बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्लैट ब्रश लिया है और ब्रश के ऊपर थोड़ा सा पानी यूज़ किया है और उसको फ्लावर की डिज़ाइन के अराउंड थोड़ा थोड़ा ब्रश की हेल्प से स्प्रेड आउट कर दिया है और हमने पानी से कपड़े को गीला कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पर तीन कलर्स को यूज़ किया है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने येलो कलर को यूज़ किया है, फिर ग्रीन, और लास्ट में यहाँ पर मैंने लाइट पिंक कलर को यूज़ किया है। और हल्का हल्का हमने यहाँ पर कलर्स को यूज़ करते जाना है और हमारा ऐसे अच्छी तरह से बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा। जो भी कलर्स का यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड के लिए यूज़ किया है उनको मैंने बहुत मिनिमम अमाउंट में कपड़े के ऊपर यूज़ किया है ब्रश की हेल्प से, और ब्रश की हेल्प से ही उसको मैंने कपड़े के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। और ये और भी इजी हो जाता है क्योंकि हमने पहले ही कपड़े को वेट कर दिया था पानी की हेल्प से और पानी यहाँ पर कलर को स्प्रेड करते जा रहा है। यहाँ पर हमने पैनिक नहीं होना है अगर हमारा बैकग्राउंड हमारे फ्लावर के फॉर्म में आ जाए। बैकग्राउंड की वजह से हमारा डिज़ाइन और भी खूबसूरत लग रहा है। और अभी हम फ्लावर्स को यहाँ पर पेंट करेंगे। इस डिज़ाइन में मैंने दो फ्लावर्स को यहाँ पर कपड़े के ऊपर उतारा है और अभी हम उन्हीं फ्लावर्स को यहाँ पर पेंट करते जाएंगे। दोनों फ्लावर्स को इस डिज़ाइन में हम तीन कलर से फिल करेंगे, वाइट, लाइट पिंक और मॉवी कलर। और सबसे पहले ब्रश के ऊपर यहाँ पर मैंने वाइट कलर से फ्लावर की पेटल्स को फिल करना स्टार्ट कर दिया है। वाइट कलर को हम पेटल में कम्प्लीटली फिल नहीं करेंगे और कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी एम्प्टी स्पेसेस को हम फ्लावर की पेटल में छोड़ते जाएंगे। फिर यहाँ पर मैंने लाइट पिंक कलर को यूज़ किया है एम्प्टी स्पेसेस में, और लास्ट में मैंने सेंटर में मॉवे कलर का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने कलर्स की कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा थिन रखा है। और जैसे कि आपने डिमांड किया था इस वीडियो में कि आपको वाटर कलर की तरह फैब्रिक पेंटिंग चाहिए, तो वैसे ही आज मैंने पेंटिंग को यहाँ पर क्रिएट करने की ट्राई की है। आई होप कि आज की पेंटिंग का थीम आपको अच्छा लगा हो। वीडियोस को फॉर्म करना और साथ साथ पेंटिंग को भी करना और फिर वीडियो में एडिटिंग कर आपके लिए क्लास को प्रेजेंट करना, इन सब में काफ़ी टाइम और डेडिकेशन चाहिए। बट इसी डेडिकेशन को मूव ऑन रखने के लिए हमको एक मोटिवेशन चाहिए होता है, और वो मोटिवेशन मुझे आप सभी के कमेंट्स, लाइक और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उस जगह से मिलता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी YouTube फैमिली मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक कर रही है और मुझे ऐसी वीडियोस और लेकर आनी चाहिए। आप मेरी और भी पेंटिंग्स को देख सकते हैं इस चैनल पर, जिसका लिंक मैंने कुछ वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उन लिंक्स पर जाकर मेरी और भी वीडियोस में लर्निंग ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिफरेंट डिज़ाइंस और उनमें यूज़ की गई डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में आपको बताया है। और ऐसे ही एक वीडियो का लिंक आपको अभी स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप उसको क्लिक कर और भी पेंटिंग्स में यूज़ किए जाने वाली टेक्निक्स को देख सकते हैं। सेकेंड फ्लावर की पेंटिंग के लिए इस डिज़ाइन में सबसे पहले मैंने मॉवे कलर का यूज़ किया है और फिर लाइट पिंक कलर का यूज़ किया है, और लास्ट में फ्लावर की कुछ पेटल्स में मैंने यहाँ पर वाइट कलर का यूज़ किया है। पेंटिंग सीखने के लिए हमको ब्रश की मूवमेंट अच्छी तरह से आनी चाहिए। और जब भी मैं फ्लावर की पेटल्स में कलर्स को फिल करती हूँ तो आप मेरी ब्रश की मूवमेंट को ज़रूर नोटिस कीजिए। जैसे कि अभी इन पेटल्स में कलर को सबसे पहले मैंने फ्लावर की पेटल्स की बाउंड्रीज में फिल किया है और फिर मैं सेंटर की तरफ उस कलर को लेकर गई हूँ। ये टेक्निक बहुत इजी टू अप्लाई भी है और इससे हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर भी अच्छी तरह से फॉर्म हो जाता है, एंड सेकेंडली हमारा कलर फैलता भी नहीं है और हमारा कपड़ा जिस पे हम पेंटिंग कर रहे हैं वो ख़राब भी नहीं होता है। तो आप भी इस टेक्निक को यूज़ कीजिए और आप अपनी पेंटिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगे, स्पेशली बिगनर्स। अगर आप भी पेंटिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं बट आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप स्टार्ट कहाँ से करें, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं
जिसमें मैंने बिगनर्स के लिए बेसिक टिप्स ऑफ पेंटिंग का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने बहुत स्टार्टिंग पॉइंट से पेंटिंग कैसे करना है इसके बारे में डिस्कस किया है, तो आप मेरी उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मॉवे कलर से हमने शेडिंग देने के नेक्स्ट अभी हम सेम कलर को दोनों फ्लावर्स की आउटलाइनिंग में यूज़ करेंगे, और आउटलाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने ब्रश को चेंज किया है। मैंने फ्लैट ब्रश से राउंड ब्रश में यहाँ पर शिफ्ट किया है, क्योंकि राउंड ब्रश की जो निप होगी वो बहुत पतली होगी और उससे हमारी आउटलाइनिंग बहुत डिटेल वे में आएगी। अब डिटेलिंग देते टाइम हमने ये चीज़ नोट रखनी है कि हमने कलर को बहुत मिनिमम अमाउंट में बाउंड्रीज में यूज़ करना है, और हमने आउटलाइनिंग भी बहुत प्रॉपर वे में देनी है। इससे हमारा डिज़ाइन फ्लावर्स का बहुत खिलकर आ रहा है। जस्ट एक सिंपल आउटलाइनिंग भी आपकी डिज़ाइन को बहुत खूबसूरत बना सकती है। जो भी ब्रशेस और कलर्स का इस पेंटिंग में यूज़ हुआ है, आप उन सब की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने हर चीज़ को डिटेल में बताया है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी स्किप हो जाए तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। अभी भी हमारे ये दोनों फ्लावर्स इस डिज़ाइन में थोड़े से अधूरे लग रहे हैं। मैंने यहाँ पर कलर्स का कंट्रास्ट तो बहुत सुंदर सेट किया है, बट सेंटर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर मैंने क्रिम्सन कलर का यूज़ किया है, और उसको फ्लावर के सेंटर में हल्का सा यूज़ किया है राउंड ब्रश की हेल्प से। यहाँ पर मैंने क्रिम्सन कलर को फ्लावर के सेंटर में थोड़ा थोड़ा यूज़ किया है। सेकंड फ्लावर में भी मैंने सेम वे में क्रिम्सन कलर को यहाँ पर यूज़ किया है। कलर की कंसिस्टेंसी को यहाँ पर भी मैंने बहुत ज़्यादा थिन रखा है, और आप देखोगे कि कुछ जगह पे हमको क्रिम्सन कलर बहुत डार्क दिखाई देगा और कुछ जगह पे लाइट, क्योंकि उसकी कलर की कंसिस्टेंसी में बहुत डिफरेंस है। क्रिम्सन कलर की नेक्स्ट मैंने येलो और वाइट कलर से फ्लावर के सेंटर में डॉट्स को अप्लाई किया है, और ऐसे मैंने इन फ्लावर्स की कंप्लीट लुक को यहाँ पर रेडी किया है। अगर हम नेचर में फ्लावर्स को देखते हैं तो फ्लावर्स अपने आप में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, उनके वो ब्यूटीफुल कलर्स और उनकी वो खूबसूरती, बट इन फ्लावर्स को कंप्लीट करती हैं उनकी यूनिक लीव्स। तो अभी हम लीव्स को पेंट करना स्टार्ट करेंगे। लीव्स को पेंट करने के लिए यहाँ पर मैंने तीन कलर्स का यूज़ किया है। सबसे पहले सैपलिंग कलर, सेकंड वाइट, और थर्ड मैंने ब्लैक यूज़ किया है। जो टेक्निक मैंने यहाँ पर लीव्स में यूज़ किए हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सैपलिंग कलर को मैंने लीफ में हाफ फिल किया है, और हाफ साइड मैंने यहाँ पर वाइट को यूज़ किया है, एंड लास्ट में मैंने ब्लैक कलर को यूज़ किया है सैपलिंग कलर की साइड में, और ऐसे इन लीव्स को मैंने यहाँ पर रेडी किया है। जैसे कि आज की थीम वाटर कलर को फैब्रिक में यूज़ करने की थी, तो उसी वे में आज मैंने लीव्स को भी थोड़ा सा उसकी कलर की कंसिस्टेंसी को थिन कर प्रिपेयर किया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है मेरी वीडियोस में से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है पेंटिंग रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। सेम टेक्निक को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सभी लीव्स में, और उन सभी लीव्स में भी तीनों कलर्स का यूज़ करेंगे, मीन्स सैपग्रीन कलर, वाइट कलर और ब्लैक कलर का। और यहाँ पर मैंने कलर्स की कंसिस्टेंसी को भी थिन रखा है, और ऐसे हमारी ये लीव्स कंप्लीट होंगी और इस डिज़ाइन को एक कंप्लीट लुक देंगी, बिकॉज फ्लावर्स अपनी लीव्स के बिना ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखाई देते। और अभी हमने जब लीव्स को पेंट ही कर दिया है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। बिग थैंक्स टू उन व्यूअर्स के लिए जो मेरी डेली की वीडियोस को देखते हैं और अपने प्यारे कमेंट्स और सजेशन कमेंट सेक्शन में प्लेस भी करते हैं। ऐसे एक कमेंट को आज मैंने वीडियो में मेंशन किया है, जिनका मेरी वीडियोस के लिए इंथुसियाज्म मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माई चैनल, और मेरे बिहाफ से भी आपको प्रॉमिस है कि इस चैनल पर आपको बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ डेली मिलते रहेंगे। आज के डिज़ाइन को मैंने कंप्लीट किया है वाइट कलर के साथ, और वाइट कलर को मैंने लीव्स के सेंटर में यूज़ किया है, और इससे हमारी लीव्स और भी सुंदर दिखाई दे रही हैं।
सबसे बड़ा थैंक्स आप सभी व्यूअर्स को ही जाता है, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैं डेली की वीडियोस आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आप मेरे वीडियोस में से क्वेश्चंस को उठाते भी हैं और उनको कमेंट सेक्शन में आंसर भी करते हैं। ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मेरे बाकी के सोशल अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ लर्न करने को मिलेगा। और मेरे को बहुत खुशी मिलती है जब आप मेरे साथ कुछ नया सीखते हैं और कुछ नया ट्राई करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो के एंड पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देखकर आप और भी अच्छे से पेंटिंग करना सीख सकते हैं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।